कल हमारी आपकी चर्चा पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता पर हुई थी। आज हम आपसे दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे, एक तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य और दूसरा एक शिक्षक को पर्यावरण जागरूकता में उनकी क्या भूमिका होगी। तो सबसे पहले हम आपसे पर्यावरणीय शिक्षा पर के उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। इसके लिए बेलग्रेड में एक कार्यशाला आयोजित की गई और यह 1975 में हुई थी और उसी वर्कशॉप में यानी कार्यशाला में पर्यावरणीय शिक्षा के लिए कुछ उद्देश्य बनाए गए। सबसे पहला उद्देश्य जो निर्धारित किया गया वो जागरूकता से हुआ। अब अवेयरनेस यानी जागरूकता किसे कहते हैं? जैसे आप देखें कि पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा व्यक्ति या सामाजिक समूहों में हम पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूक करते हैं और जागरूकता तब आती है जब उनको हम समस्या से अवगत कराते हैं। जैसे व्यक्ति जागरूक हो गया तो वह संपूर्ण पर्यावरण के प्रति या उससे जुड़ी हुई समस्याओं में उसके प्रति वो संवेदनशील हो जाता है और समस्याओं को दूर करने के लिए हर व्यक्ति हर मानव प्रयास करने लगता है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे हमारी जो समस्या बनी हुई है वो समाप्त हो जाती है। अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति एवं समाज को उसके पर्यावरण के प्रति हमें क्या करना है, जागरूक बनाना है और जागरूकता में ज्ञानात्मक पक्ष का डेवलपमेंट करना है। दूसरा आता है ज्ञान। जैसे लोगों में जागरूकता आ गई कि हमको अपने पर्यावरण को बचाना है, तो अब पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता तो आ गई लेकिन नॉलेज होना चाहिए ना कि कौन सा ऐसा कार्य हमको करना चाहिए जो पर्यावरण के प्रति हमारा सहयोग होगा। अब जैसे चाहे सामाजिक समूह आप देख लें, चाहे पर्टिकुलर व्यक्ति देख लें, चाहे समुदाय को आप देख लें, यानी विभिन्न प्रकार के समस्याओं के बारे में उनको हम सूचित करेंगे, जानकारी देंगे, विभिन्न तथ्यों के द्वारा उनको आधारभूत जो समस्याएं हैं और उनकी क्या भूमिका होती है उससे उनको अवगत कराएंगे और संपूर्ण जो पर्यावरण का अर्थ हम आप मानते हैं जिसको भौतिक कहते हैं यानी जल वायु और भूमि, और जैविक किसे कहते हैं, पेड़ पौधे जीव और जंतु, और मनुष्यकृत यानी मनुष्य क्या करता है, दार्शनिक होता है, सामाजिक होता है, सांस्कृतिक होता है, आर्थिक होता है, ऐतिहासिक हो सकता है और तकनीकी हो सकता है। आप पर्यावरण के बारे में समझाकर व्यक्ति एवं सामाजिक समूहों को यह एहसास दिलाना कि व्यक्ति उपरोक्त सभी प्रकार के वातावरण से प्रभावित होता है और उसको इन सभी समस्याओं को हल करने में उस मनुष्य की भूमिका सर्वोपरि होती है। दूसरी अभिवृत्ति एटीट्यूड, जैसे पर्यावरणीय समस्याओं में प्राकृतिक आपदाओं के पीछे का कारण क्या है, यानी ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं, यानी पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा व्यक्ति तथा सामाजिक समूह को हम पर्यावरण के प्रति सामाजिक तथा सकारात्मक दायित्व निभाने और उसकी प्रति गहरी चिंतन करने और उसकी सुरक्षा और उसमें सुधार में सहयोग करने के लिए हमको प्रेरित करना चाहिए। अगला आता है कौशल यानी स्किल कैसे डेवलप करेंगे। व्यक्ति एवं सामाजिक समूहों में पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने के संबंधित कौशलों का हमें विकास करना है। पर्यावरण को मनुष्य ही प्रदूषित करता है, इसीलिए पर्यावरण का स्वच्छ एवं संतुलित रखना ही एक मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है।
इसीलिए उसको विभिन्न उपाय बताए जाएं, उसको कौशल सीखने के लिए कहे जाएं और खुद वो प्रयास करें। और पांचवी चीज आती है सहभागिता, पार्टिसिपेशन। अब सहभागिता जब करेगा वो, तो क्योंकि जब हमने जागरूक किया, नॉलेज दिया, उसको स्किल आया, तो समस्या को तुरंत हल करने की आवश्यकता को समझाना है, जिससे वह समस्याओं को सुलझाने में वह अपनी त्वरित भूमिका उसकी दिखाई पड़नी चाहिए। जैसे आप सहभागिता को क्या समझते हैं, यानी सहभागिता का अर्थ क्या है? क्रियाशील होकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करना, ये क्या होता है? सहभागिता। क्रियाशील भागीदारी पर्यावरण के सापेक्ष में स्वच्छ एवं प्रदूषण रहे बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सेमिनार, वर्कशॉप, शैक्षिक पर्यटन, वृक्षारोपण, आसपास की गंदी जो बस्तियां हैं उनमें स्वच्छता के कार्यक्रम, जलाशयों की सफाई करना है, स्थान पर स्पष्ट और सुंदर अक्षरों पर लिखी हुई हम स्वच्छता के अच्छे लेख लिखाएं। ये जो शैक्षिक गतिविधियां जो हमारे आप लोगों के द्वारा क्रियान्वित होंगी, इससे पर्यावरण संवर्धन भी होगा, संरक्षण भी होगा और जनमानस में एक जनचेतना जागृत होगी और इस प्राकृतिक संसाधन का तार्किक और ज़रूरत यानी सदुपयोग के अनुसार ही उसका जब हम करेंगे तो हमारी पर्यावरण की को स्वच्छ बनाने और संपूर्ण विश्व स्वच्छ और संतुलित रहेगा, तभी व्यक्ति सुखी और स्वस्थ जीवन जीने की संकल्पना करेगा और उसका जो भी नीड हो वह प्रकृति उसको पूरा अवश्य करेगी। छठवां आता है मूल्यांकन की योग्यता। व्यक्ति और सामाजिक समूहों में आप देखें तो सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए दिए गए उपायों को हम शैक्षिक कार्यक्रमों में पारिस्थितिकी, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से मूल्यांकन करने की हम एक योग्यता विकसित करते हैं। पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए यदि कोई उपाय किया जाता है तो उसके परिणामों का ध्यान रखकर हमें मूल्यांकन करना चाहिए। अगर मूल्यांकन के लिए निर्धारित लक्ष्य नहीं पूर्ण हो पा रहा है तो क्या उपाय किया जाए, इसकी समझ हमको जनमानस में फैलाना चाहिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर स्वस्थ जीवन धारा का जो प्रवाह है एवं संतुलन बनाए रखना ही पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ये जो हमारी चर्चा हुई ये पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य हुआ। आइए हम आप चर्चा करते हैं कि इस पर्यावरणीय शिक्षा के प्रसार में एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है। जैसा कि हम आप जानते हैं कि शिक्षक समाज का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व युक्त सम्मानीय सदस्य होता है। पर्यावरण शिक्षा के प्रसार में उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक का संबंध विभिन्न आयु वर्गीय विद्यार्थियों के साथ होता है। दूसरे शब्दों में इसको आप यह कह सकते हैं कि समाज के भावी कर्णधारों को सही दिशा निर्देश देने वाला, उनका पथ प्रदर्शक वो शिक्षक होता है, जिसकी बड़ी अहम भूमिका है, जो अपने विद्यार्थियों, नई पीढ़ियों को विभिन्न प्रकार के पर्यावरण, चाहे सामाजिक, प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक के प्रति चेतना विकसित करने में वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से वह अपने छात्र को जागरूक करता है। सबसे पहली चीज़ तो यह होती है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मैंने आपके पिछले चैप्टर में चर्चा की थी, पुनः मैं बता रहा हूँ। विद्यालय में विभिन्न विषयों के ज्ञान शिक्षक जब विद्यार्थियों को देता है, उस विषय के साथ साथ
विभिन्न प्रकार के पर्यावरण की जानकारी सहज ढंग से दी जाती है और कुछ गतिविधियां होती हैं जिनको वह कैरिकुलम के साथ शिक्षक संपादित कराता है। कॉलेज में एक पार्क का डेवलपमेंट होता है, यानी वृक्षारोपण तथा हरी भरी वाटिकाओं का संरक्षण करना। जहाँ कहीं गंदगी दिखाई पड़े वहाँ की सफाई करने एवं करवाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, जैसे चाहे पार्क हो, चाहे जलाशय हो, चाहे शहरों की गंदगी हो, चाहे भरी हुई नालियाँ हों, या समाज के जो अनएजुकेटेड पर्सन हैं उनको एजुकेटेड करना है, और विद्यार्थियों के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए उनको जागरूक बनाना है और उनको क्रियात्मक रूप से गंदी बस्तियों और गाँव में ले जा कर के उनको ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करें और ऐसे कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए उनका मोटिवेशन करें जो जन सामान्य के लिए पर्यावरण सुधार के लिए सजग हों और सुधारने के लिए सभी वर्ग के लोग इनका सहयोग करें। जैसे इसके लिए हमें नाटक प्रस्तुत करें, नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करें, गंदगी से हानि क्या होती है, ध्वनि का प्रदूषण कैसे होता है, वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, यानी इनकी हानि, इनके का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ओजोन परत की जो निरंतर ह्रास हो रहा है, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होता है, वृक्षारोपण की आवश्यकता एवं महत्व की जानकारी हम विद्यार्थी को भी दें और विद्यार्थी के माध्यम से समाज तक इस बात को फैलाने का कार्य करें। इसके लिए हमें आवश्यकता पड़े तो हम निबंध प्रतियोगिता कराएं, पोस्टर प्रतियोगिता कराएं, स्लोगन प्रतियोगिता कराएं, कवि सम्मेलन कराएं, फोटोग्राफी प्रतियोगिता कराएं और विद्यार्थियों में सामान्य जनचेतना लाने के लिए इन सभी प्रभावी गतिविधियों का अनुशासन को ध्यान में रखते हुए इसको अप्लाई कराया जाए। जैसे एजुकेशनल टूर होता है, यानी पर्यटन द्वारा शिक्षा, विद्यार्थी को भ्रमण एवं पर्यटन के माध्यम से विशिष्ट स्थलों एवं आत्मविकृतियों द्वारा प्रदूषणों को दृष्टांत बताकर पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित स्थलों पर ले जा करके प्रदूषण द्वारा पड़ रहे प्रभावों का हमें निरीक्षण कराना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसका अवलोकन करके उसका अनुभव प्राप्त करें। अन्य गतिविधियाँ में जैसे व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक विचार विमर्श और विभिन्न प्रकार के चार्ट के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, ये हमको एक ऐसी हलचल पैदा करनी चाहिए जिससे समाज में एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न हो जाए जिससे सभी लोग इस जन सामान्य में अपने को एक भावी कर्णधार के रूप में जोड़ करके वह क्रिया करें। जैसे शिक्षक द्वारा बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक ऐसी आदतों का विकास करें जो आजीवन चिरस्थायी उस बालक के प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़े। जैसे रात के समय पेड़ पौधों को छूना नहीं चाहिए, फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, घर में कूड़े जो कचरे हमारे आपके कलेक्शन होते हैं उनको सड़क या घन के आसपास नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए, जितना संभव हो सके हम पैदल चलें, साइकिल का उपयोग करें, पानी का दुरुपयोग नहीं करें, घर के आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें। सभी सामान्य उदाहरण के लिए शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति ऐसी चेतना जागृत करें। शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध बहुत आत्मीयपूर्ण होता है, बड़ा स्नेह होता है। हमारी संस्कृति में शिक्षक को बच्चों को दूसरी माँ का दर्जा दिया गया है। इसी वजह से भी आप देखें तो शिक्षक विद्यार्थी की संवेदना, कुंठाओं, उनकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का एक मित्र और एक प्रदर्शक के नाते समाधान कर सकता है। अपने विद्यार्थियों में हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करके उनको एक योग्य नागरिक बनाने में शिक्षक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से यदि आप देखें तो विद्यार्थी की मानसिक और मनोवैज्ञानिक
पर्यावरण को स्वस्थ एवं उज्जवल बनाने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। आर्थिक विभिन्नता हो, बेरोजगारी भी पर्यावरण को विकृत करने वाले कारकों में से एक है। शिक्षक अपने विद्यार्थी में ऐसी योग्यता, ऐसी क्षमता, ऐसी रुचि उत्पन्न करे जो अपनी, चाहे गरीबी हो चाहे उसकी आर्थिक विभिन्नता हो, उसमें वह एक ऐसा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन जाए जो अपने जीविकोपार्जन का संसाधन खुद ढूंढ लेगा। जैसे हस्तकौशल का कार्य करा देना, मधुमक्खियों का पालन का कार्य करा देना, कृषि एवं बागवानी यानी पर्यावरण का भी सहयोग अच्छा होगा, उस विद्यार्थी की नीड भी पूरी होगी। अर्थात एक शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज एवं राष्ट्र के भावी कर्णधार का निर्माण करता है, और वो चाहे तो किसी भी दिशा में एक बहुत अच्छी क्रांति ला सकता है।